राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। इस क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। प्रश्न पहला सही विकल्प का है कि नौकरशाही का अर्थ क्या है। नौकरशाही का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है कि प्रशासन स्थायी सेवकों के द्वारा होता है, दूसरा है प्रशासन संसद के द्वारा होता है, फिर है प्रशासन मंत्री के द्वारा होता है, या प्रशासन प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। तो इसका उत्तर है कि नौकरशाही का अर्थ है प्रशासन स्थायी सेवकों के द्वारा होता है। फिर है कि प्रतिबद्ध नौकरशाही में क्या होता है? लोक सेवक सत्ताधारी दल की विचारधारा के अनुसार कार्य करते हैं। प्रतिबद्ध नौकरशाही में लोक सेवक सत्ताधारी दल की विचारधारा के अनुसार कार्य करते हैं। फिर है कि साम्यवादी व्यवस्था वाले देशों में न्यायपालिका है, स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र नहीं होती है, या न्यायपालिका साम्यवादी व्यवस्था में नहीं होती, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो साम्यवादी व्यवस्था में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती है। फिर है नवनिर्माण आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो नवनिर्माण आंदोलन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ। फिर है कि किस राज्य में छात्रों ने इंदिरा सरकार के विरुद्ध उग्र आंदोलन किया? तो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य के छात्रों ने इंदिरा सरकार के विरुद्ध उग्र आंदोलन किया। फिर है कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया। भारत ने प्रतिबद्ध नौकरशाही का समर्थन किया इंदिरा। इसके आगे अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहला प्रश्न है कि 1971 के बाद कांग्रेस की सर्वोच्च नेता कौन थी? तो इंदिरा गांधी 1971 के बाद कांग्रेस की सर्वोच्च नेता इंदिरा गांधी थी। फिर है दूसरा कि प्रजातंत्र में जनता प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है। फिर है तीसरा अधिकारियों के द्वारा योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाता है। निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाता है। फिर ऑप्शन अगला प्रश्न है कि लोकतांत्रिक देशों में कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। खालिस्तान प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती। कौन से प्रकरण में? गोलकनाथ प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों में कटौती नहीं की जा सकती। फिर है कि केशवानंद भारती प्रकरण में संविधान के मूल ढांचे को परिभाषित किया गया। संविधान के मूल ढांचे को परिभाषित किया गया। फिर है गुजरात व बिहार में छात्रों ने खाद्यान्न भ्रष्टाचार को लेकर सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। फिर खालिस्तान उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। फिर है आंतरिक गड़बड़ी की आशंका में देश में 1975 को आपातकाल लगाया गया था। आंतरिक गड़बड़ी के कारण देश में 1975 में आपातकाल लगाया गया था। अब सरकार ने निवारक निरोध के अंतर्गत में हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। अब है फिर कि मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री के समय चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम उप प्रधानमंत्री थे। जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह उप प्रधानमंत्री थे। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है कि भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत राज्यों का संघ है, यह अनुच्छेद एक में वर्णित है। फिर भारत में लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फिर संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? संघ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। फिर भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी है। गुजरात व बिहार में 1975 में किसने आंदोलन का सूत्रपात किया था? छात्रों के समूह ने आंदोलन का सूत्रपात किया था। फिर प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का क्या उद्देश्य था? तो संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था कि सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तन ही संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य था। अब रेलवे के कर्मचारियों ने किसके नेतृत्व में हड़ताल कर दी थी? तो रेलवे के कर्मचारियों ने जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हड़ताल कर दी थी। फिर प्रश्न की संसद मार्च का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने संसद मार्च का नेतृत्व किया था। आपातकाल के विरोधी नेताओं का क्या किया गया था? तो आपातकाल के विरोधी नेताओं को जितने भी नेता थे सबको जेल में बंद कर दिया गया था। फिर है कि संविधान का 42वां संशोधन किस समिति के अनुशंसा पर किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान का 42वां संशोधन किया गया था।
1975 के लोकसभा चुनाव के पश्चात किस दल की सरकार बनी थी? तो जनता पार्टी की सरकार या जनता दल की सरकार बनी थी। फिर है जनता पार्टी की सरकार शासन क्यों नहीं कर पाई थी? तो आपसी मतभेद या आपसी खींचतान के कारण जनता पार्टी की सरकार शासन नहीं कर पाई थी। किसने कहा था कि जजों की नियुक्ति से पूर्व यह देखा जाए कि उसका सामाजिक दर्शन सरकार की नीतियों के अनुकूल है या नहीं? यह कहा था श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि जजों की नियुक्ति के पूर्व देखा जाए। फिर है नौकरशाही के आदर्श स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो मैक्स वेबर जो नौकरशाही के आदर्श समूह थे। फिर 1977 में बनी कांग्रेस, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के अध्यक्ष कौन थे? तो जगजीवन राम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के अध्यक्ष थे। अब एक शब्द में उत्तर के बाद हम देखेंगे सत्य और असत्य को लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि प्रशासन में नौकरशाही की भूमिका महत्वपूर्ण होती है या सही? भारत में नौकरशाही तटस्थ है, यह भी सत्य है। फिर तीसरा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए नियुक्ति के पूर्व जजों की के सामाजिक दर्शन को देखा जाना चाहिए, यह है असत्य। फिर है चौथा कि साम्यवादी व्यवस्था वाले देशों में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती, यह है सत्य। फिर पांचवा राम मनोहर लोहिया ने संसद मार्च का नेतृत्व किया था, यह सत्य है। और आपातकाल में विरोधी नेताओं को जेल भेज दिया गया था, सत्य। जनता पार्टी की सरकार विरोध के कारण हार गई, सत्य है। और 1975 के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपातकाल लगाया गया था, यह असत्य है। फिर है आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, सत्य है। और इंदिरा गांधी एक ही बार प्रधानमंत्री बनी, यह कथन असत्य है। अब है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला है लोकनायक जयप्रकाश नारायण किस विचारधारा से प्रभावित थे? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण गांधीवादी विचारधारा के साथ समाजवाद और मार्क्सवाद से प्रभावित थे। प्रश्न दूसरा, 1975 में आपातकाल लागू करने का तात्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लोकसभा वेटो निर्वाचन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था और विपक्षी दलों द्वारा उनसे त्याग पत्र की मांग की जा रही थी। फिर प्रश्न की आंतरिक अशांति को परिस्थिति में उद्घोषित आपातकाल के दो प्रभाव लिखिए। तो पहला प्रभाव, संसद के सभी कार्य स्थगित रहते, और दूसरा, प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। फिर प्रश्न है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत घोषित
1975 के आपातकाल हुए। कोई दो परिणाम लिखिए, तो पहला है मौलिक अधिकारों का हनन और दूसरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार एवं न्यायालय द्वारा शासन विरोधी घोषणाएं। फिर है प्रश्न कि प्रेस सेंसरशिप से आप क्या समझते हो, तो प्रेस सेंसरशिप के अंतर्गत समाचार पत्रों में कोई भी समाचार छपने से पूर्व सरकार से उसकी अनुमति लेना होती है। फिर है प्रश्न कि जनता सरकार गिरने के कोई दो कारण लिखिए, तो पहला कारण है कि जनता दल के घटक दलों में परस्पर उचित तालमेल न होना और दूसरा कारण है कि कुछ प्रमुख जनता दल नेताओं का पद लोलुपता से पीड़ित होना। सर्वप्रथम लोकसभा तथा राज्यसभा में मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता कौन बने थे, तो 1977 में लोकसभा में कांग्रेस के वाई वी चौहान और राज्यसभा में किसी दल की पार्टी पहले मान्यता प्राप्त विपक्षी नेता बने। आपातकाल में लोक अधिकारों की रक्षा हेतु किस समिति की स्थापना की गई थी, उत्तर है कि गुजरात में आपातकाल में लोक अधिकारों की रक्षा के लिए लोक रक्षा समिति की स्थापना गुजरात में की गई थी। अब फिर से है विकल्पी प्रश्न की बताएं कि आपातकाल के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य है या नहीं, तो पहला है कि आपातकाल की घोषणा 1975 में इंदिरा गांधी ने की, यह असत्य है या गलत। दूसरा, आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निष्क्रिय हो गए थे, सही। बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के मद्देनजर आपातकाल की घोषणा की गई थी, गलत। फिर है आपातकाल के दौरान विपक्ष के अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, यह सही है। और सीपीआई ने आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता है, तो नक्सलवादी आंदोलन आपातकाल की घोषणा के संबंध में मेल नहीं खाता है। अब है सही जोड़ी बनाएं, तो संपूर्ण क्रांति ये है जयप्रकाश नारायण। फिर है गरीबी हटाओ तो इंदिरा गांधी। फिर छात्र आंदोलन, बिहार आंदोलन और जो है रेल हड़ताल, तो ये सही है जॉर्ज। अब किन कारणों से 1980 के मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े, क्योंकि जनता पार्टी मूलतः इंदिरा गांधी के सामने मनमाने शासन के विरुद्ध बहुत सी पार्टियों का गठबंधन था। इंदिरा गांधी के मनमाने शासन में गठबंधन था, इसलिए शीघ्र ही जनता पार्टी बिखर गई। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार ने 18 माह में अपना बहुमत खो दिया और कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी सरकार चरण सिंह के नेतृत्व में बनी, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस लेने का फैसला किया। इस वजह से चरण सिंह की सरकार मात्र 4 महीने तक ही रही और इस प्रकार 1980 में लोकसभा के लिए नए सिरे से चुनाव करवाने पड़े। फिर है प्रश्न की जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग को नियुक्ति किया, इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई और इसकी क्या निष्कर्ष थे, तो शाह आयोग का गठन 25 जून 1975 के दिन घोषित आपातकाल के दौरान की गई कार्यवाही तथा सत्ता के दुरुपयोग, अतिचार और कदाचार, विभिन्न आरोपों के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए किया। आयोग ने विभिन्न सरकार के साक्ष्यों की जांच की और हजारों गवाहों के बयान दर्ज किए।
गवाहों में इंदिरा गांधी शामिल थी, वे आयोग के सामने उपस्थित इनकार कर दिया। और दूसरा है कि शाह आयोग ने अपनी जांच के दौरान पाया कि इस अवधि में बहुत अति हुई है, भारत सरकार ने आयोग द्वारा प्रस्तुत जो अंतरिम रिपोर्टों की तीसरी और अंतिम रिपोर्ट की सिफारिशों पर्यवेक्षणों और निष्कर्षों को स्वीकार किया। यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में विचार के लिए रखी गई। फिर प्रश्न की 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे? तो पहला कारण बताया था सरकार के मतानुसार चुनी गई सरकार को लोकतंत्र में विपक्षी दल उसकी नीतियों के अनुसार शासन नहीं चलाने दे रहे थे और वे बार बार धरना प्रदर्शन सामूहिक कार्यवाही और राष्ट्रव्यापी आंदोलन की धमकी देकर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण प्रशासन विकास के कार्यों पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे थे और दूसरी सारी ताकत कानून व्यवस्था की बहाली पर लगानी पड़ती। इंदिरा गांधी ने शाह आयोग को एक चिट्ठी में लिखा कि षड्यंत्रकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में अड़ंगा डाल रही हैं और उन्हें गैर संवैधानिक संसाधन सत्ता से बेदखल करना चाहती